हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज मैं आपके पास जनरल साइंस का लेक्चर 5 लेकर आया हूं, सॉरी लेक्चर 4 लेकर आया हूं। तो जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए और सेशन को शेयर कीजिए। और सबसे पहले ये बता दीजिए कि मैं आपको क्या सब कुछ क्लियर आ रहा है, वीडियो क्लियर आ रहा है, ऑडियो क्लियर आ रहा है, सब कुछ क्लियर आ रहा है आपका? कमेंट करके जल्दी से बताइए कि क्या मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों के लिए, जल्दी से बता दीजिए। उसके बाद अपना आज हम लोग हीट एंड टेम्परेचर पढ़ने वाले हैं। हीट एंड टेम्परेचर का थोड़ा सा टॉपिक हुआ था, वो भी देखेंगे हम लोग क्या क्या हुआ था। उसके बाद फिर आगे का हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे EPFO में पूछा जाता है वो भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग पहले कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों के लिए, सब कुछ सही से क्लियर चल रहा है। ठीक है, चलिए। तो अंकित, अंकित बताइए हाय हेलो, क्लियर है? चलिए क्लियर है सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया था, हीट एंड टेम्परेचर हम लोग देख रहे थे। हीट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हीट देख लिया था कि हीट क्या होता है। उसके बाद और क्या देखा था, लेटेंट हीट हम लोगों ने देख लिया था। लेटेंट हीट के बाद आपका सेंसिबल हीट जो है वो भी हम लोगों ने देख लिया था कि सेंसिबल क्या हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग आगे पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। बताया था मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जब मैंने फॉर्मूला बताया था आपको किस चीज़ का, हीट का, हीट का, हीट को किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से डिनोट किया जाता है। और क्यू इज इक्वल टू बताया था मैंने MS डेल्टा टी, जिसमें से डेल्टा टी, जो डेल्टा टी है वो क्या है, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर। एम क्या है, मास है, और एस जो है वो है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट मैंने आपको बताया था कि अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि स्पेसिफिक हीट होता क्या है। तो चलिए पहले देख लेते हैं डिफिनेशन इसका क्या है स्पेसिफिक हीट का। तो द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है इसका कि वो क्या बोल क्या रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। एक जैसे मान लीजिए, मैं आपको बस ये डेफिनेशन आपने देख लिया, अब हम लोग समझते हैं कि असल में स्पेसिफिक हीट होता क्या है। तो मैं थोड़ा सा स्लाइड हटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक बॉडी है ये, ठीक है, बॉडी में टेम्परेचर जो है इसका है, और इसका जो मास है मान लीजिए 1 kg, और इसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर हम लोग इसका हीट बढ़ाते हैं, इस बॉडी का अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाना चाहे तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसके लिए हमें यहाँ पे हीट देना पड़ेगा। ठीक है, हीट देना पड़ेगा। अब अगर हम लोग हीट देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा। तो मान लीजिए कि ये जो टेम्परेचर हो गया हीट देने के बाद, ये हो जाता है मास इसका 1 kg है, और इसका टेम्परेचर हो जाता है 11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कितना का चेंज आया, ये 1 डिग्री का चेंज आया। तो वही 1 डिग्री का चेंज लाने के लिए जितने हीट की जरूरत पड़ती है, 1 डिग्री की चेंज को लाने के लिए जितने हीट की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, अगर हिंदी में बात करें तो 1 kg द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। स्पेसिफिक हीट का क्या वो हिंदी होता है, विशिष्ट ऊष्मा होता है। बिल्कुल सही अंकित, क्या बोल रहा है, हीट का टेम्परेचर जो होता है वह 1 यूनिट ऑफ हीट के बराबर होता है। आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे हो, चलिए ठीक है। तो मास मीन्स वेट, मास और वेट में फर्क है, लेकिन अभी मास क्या होता है, असल में वजन होता है। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, मास का मतलब द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, वेट, अगर आप लोग वेट और मास में बहुत डिफरेंस है अगर फिजिक्स में जाएं, लेकिन अगर आपको समझना है तो वेट और मास एक चीज है। अगर आप लोग देसी भाषा में अगर बोलिएगा तो मास और वेट जो है वो एक ही चीज है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही,
दीपक सिंह बिल्कुल सही, बहुत डिफरेंस होता है मास और वेट में, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता क्योंकि ये फिजिक्स टर्म में होता है, मास और वेट में बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन अगर देसी भाषा में हम लोग जैसे बोलते हैं आपका वेट क्या है, तो ठीक है, तो वो चीज़ अलग होता है। और मास यहाँ पे बस ये याद रखिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है कि स्पेसिफिक हीट, मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी एक केजी द्रव्यमान के लिए 1 डिग्री तापमान को बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अब अलग अलग कंपाउंड के लिए आप देखिए, मान लीजिए कि अगर कहीं वाटर है, ठीक है, तो वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना हीट लगेगा, क्या आइस को भी, मतलब मान लीजिए 1 केजी आइस भी है आपके पास, ठीक है, तो क्या उतना ही हीट लगेगा, दोनों में बराबर हीट लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अलग अलग कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक हीट अलग अलग होता है, यानी डिफरेंस होता है। डिफरेंस कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक हीट जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है, आपको अलग सबके याद नहीं रखना है, जैसे आयरन का अलग होता होगा आपका, वाटर का अलग होगा, मरकरी का अलग होगा, ये सब चीज़ का सबका अलग अलग स्पेसिफिक हीट होता है। लेकिन आपको दो चीज़ का याद रखना है, सबसे पहले वाटर का याद रखना है। तो वाटर का क्या होता है, और एक चीज़ मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, तो मतलब बताने के लिए तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि जो स्पेसिफिक हीट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको हीट का फॉर्मूला क्या बताया, Q इज़ इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, और टी फोर क्या होता है, टेम्परेचर। तो अगर हम लोग यहीं से अगर हीट का स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला निकाला है तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, एस को अलग एक साइड रखते हैं, एस इजकल टू क्या हो जाएगा, एम यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्यू बाई एम हो जाएगा, और टेम्परेचर डेल्टा टी भी यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा क्यू से, तो डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी। अब बताइए मुझे कि क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई एम एम डेल्टा टी। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, देखिए ठीक है, थोड़ा सा डिस्ट्रेक्शन आ गया था तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं। ठीक है, तो एसआई यूनिट जल्दी से आप बताइए क्या हो सकता है एसआई यूनिट इसका। आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, एस का हीट का क्या होता है, जूल होता है, उसके बाद मास का क्या होगा, मास का क्या होगा, केजी होता है, और टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है। तो जल्दी से मुझे ये बताइए कि एसआई यूनिट स्पेसिफिक हीट का क्या होगा, जल्दी से बताइए। विच टॉपिक इज गोइंग ऑन, ये हीट एंड टेम्परेचर चल रहा है फिजिक्स जनरल साइंस का। ठीक है, बिल्कुल अंकित यादव, मास बोले या बॉडी का वेट बोले बराबर हो सकता है लेकिन हर जगह नहीं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो जल्दी से आपको बताइए, यस दीपक सिंह का आंसर आया है जूल केजी पर केल्विन, सॉरी पर सेल्सियस। ठीक है, बिल्कुल सही है, चलिए बहुत अच्छे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए जूल हो जाएगा आपका हीट के लिए, क्या होगा, जूल हो जाएगा, उसके बाद बाई है तो बाई कर दिया, यानी बटे मास का क्या होता है, केजी होता है, और टेम्परेचर का अगर हम लोग सीजीएस में लेते हैं तो सेल्सियस होता है, अगर एसआई में लेंगे तो केल्विन हो जाएगा। ठीक है, केल्विन हो जाएगा, तो सेल्सियस या केल्विन जो रखें दोनों सही होगा आपका। ठीक है, केजी केजी केल्विन, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गया आपका। उसके बाद मैंने आपको बस इतना सा बताना मुझे बाकी था, आपको मैंने क्या बताया कि अलग अलग कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक हीट जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी डिफरेंट होता है। तो वाटर और किसके लिए, किसका याद रखना है आपको, आइस का याद रखना है। वाटर का क्या हो जाएगा, वाटर का होता है 4.2 केजी केजे, यानी किलो जूल केजी केल्विन। ठीक है, केल्विन। और अगर आइस की बात करें हम लोग कि आइस का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, आइस का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ठीक है, आइस का क्या होगा आपका, हमेशा एक चीज याद रखिए, वाटर का कितना होता है, 4.2 केजी
केजे केजी केल्विन, ठीक है, किलो जूल पर केजी केल्विन। तो इसका बिल्कुल आधा होता है, वाटर का आधा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट किसका होता है, आइस का होता है। ये कितना हो जाएगा, 2.1 केजे केजी पर केल्विन इनटू केल्विन, ठीक है। तो ये दो चीज आपको याद रखना है, ये दो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस अब आगे हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोग मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होता है, हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ट्रांसफर क्या होता है, कि जो हीट होता है वो ट्रांसफर किस किस माध्यम से किया जाता है, किस किस माध्यम से होता है हीट ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर किस किस माध्यम से होता है। तो तीन मीडियम होता है इसके लिए, सबसे पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, और तीसरा होता है रेडिएशन। अगर कन्वेक्शन की बात करें हम लोग तो क्या होता है, सॉरी कंडक्शन की बात करें, अगर कंडक्शन की बात करें सबसे पहला कि कंडक्शन कैसे होता है, मान लीजिए कि आपका डायरेक्ट कोई बॉडी को टच करते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए, जैसे मैंने आपको फर्स्ट दिन ही बताया था कि एक हाथ को मतलब हम लोग पॉकेट में ठंडे के दिन में एक हाथ को हम लोग क्या करते हैं पॉकेट में रखते हैं, और दूसरे हाथ को अगर हवा में मतलब पॉकेट से निकाल के रखते हैं तो क्या होता है कि एक हाथ गर्म होता है और दूसरा हाथ ठंडा होता है। जब हम लोग दोनों को मिलाते हैं तो हीट का ट्रांसफर होने लगता है और हमें गर्मी का एहसास होता है। तो कब तक होता है, जब तक दोनों का हीट इक्वल ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल अंकित यादव, केजे मतलब किलो जूल, ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग मोड ऑफ हीट ट्रांसफर देख रहे हैं, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को कि कंडक्शन क्या होता है, कि जब बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट आता है और उससे हीट का ट्रांसफर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन किसको बोलते हैं, जब देखिए मान लीजिए कि कोई बॉडी नहीं टच हो रहा है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो तो आपका क्या जो अंदर का मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम है, वो क्या होता है, रनिंग करने लगता है, और रनिंग करने के बाद आपके बॉडी में क्या होता है, देखिए गर्मी का एहसास होता है, यानी बॉडी हाइट बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी आपके मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स के गति यानी पदार्थ के गति के कारण जो हीट का मतलब हीट का ट्रांसफर होता है उसके क्या उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। और रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन जैसे सूर्य से, जैसे सन से हम लोग का हीट आता है वो किसके द्वारा आता है, वो आपका रेडिएशन के द्वारा आता है कि नहीं। चलिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उसके हिसाब से हम लोग दोनों तीनों को समझेंगे कि क्या कैसे हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक ओवन है ये, और ओवन पे आपने पानी गर्म कर रहे हो, आप यहाँ पे पानी गर्म करो, चलो ड्राइंग मेरा उतना अच्छा है नहीं तो आप लोग बस एडजस्ट कर लीजिए, ये ओवन पे आप लोग क्या कर रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हीट जा रहा है, आपने आग जला रखा है यहाँ पे, इस जगह पे तो आग जल रहा है ना, ऐसे ऐसे आग जल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप क्या करते हो, मान लीजिए जब भी आप हाथ से यहाँ पे पकड़ रहे हो, मान लीजिए यहाँ पे हाथ से आपने पकड़ रखा है, आपने हाथ से यहाँ पे पकड़ रखा है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज, सबसे पहली बात कि कहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप हाथ हैंडल पकड़ोगे, आप मान लीजिए कोई केतली या फिर कोई बर्तन का हैंडल पकड़ते हो तो आपको गर्मी का एहसास होता है, हीट का एहसास होता है, तो आपको यहाँ पे जो गर्मी यानी बॉडी टच हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर किससे हो रहा है, आपके मतलब केतली से आपके किस में जा रहा है, आपके हाथ पे जा रहा है, और हाथ पे जा रहा है तो वो हीट का ट्रांसफर किस माध्यम से हो रहा है, ये कंडक्शन है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो रहा है ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हो उसके बाद आपका हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ये क्या किसके वजह, इस मतलब हीट इस माध्यम को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन, इसको बोलते हैं कंडक्शन। अब यहाँ पे देखिए जो पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है तो उबलने लगता है पानी, ठीक है, उबलने लगता है। अब उबलने के कारण क्या होता है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो रनिंग में यानी गति मोशन में आ जाता है, और मोशन के वजह से भी हीट का ट्रांसफर होने लगता है, क्योंकि हीट का ट्रांसफर होने लगता है मोशन के वजह से भी, तो इसमें जो यहाँ पे जो हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, ठीक है। और एक चीज मान लीजिए कि आप यहाँ पे जो चूल्हा है, यहाँ पे जो ओवन है वो उसके साइड में अगर हम लोग हाथ को ऐसे रखते हैं तो हम लोगों को गर्मी का एहसास होता है कि नहीं, गर्मी का एहसास होता है यहाँ पे, तो इस जगह से क्या होता है कि हम लोग छूते भी नहीं है, ना ही मॉलिक्यूल्स रनिंग में है, मोशन में है, तो यहाँ पे क्या होता है कि रेडिएशन की वजह से हम लोगों को गर्मी का एहसास होता है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि रेडिएशन के माध्यम से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये ओवन, ये यहाँ पे जो रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन की वजह से जब हम लोग हाथ को ऐसे लगाते हैं ओवन के पास तो हम लोगों को गर्मी का एहसास होता है, हीट का एहसास होता है, वो क्या है, वो रेडिएशन है, वो क्या है, रेडिएशन है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
बिल्कुल आपको अंकित क्या बोल रहे हैं कि कंडक्शन ट्रांसफर हीट बाय कॉन्टैक्ट, बिल्कुल, और कुछ देर के बाद नॉर्मल हो जाता है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कब तक, कब नॉर्मल होगा, जब जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तब आपका जो टेम्परेचर जो क्या बोलते हैं हीट ट्रांसफर है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, वो उसके बाद फिर ट्रांसफर नहीं करने लगता है। यानी मान लीजिए कि इसमें इस हाथ में आपके पास टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, इसमें है 5 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद दोनों में मान लीजिए इसमें सॉरी 15 डिग्री सेल्सियस है, इसमें है आपका मान लीजिए सॉरी इसमें 50 कितना हो जाएगा, ये इसमें मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है, हाथ इधर ना, इसमें 30 डिग्री सेल्सियस है और इसमें 20 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना मीडियम होगा, देखिए टोटल कितना बनता है कि दोनों को जब तक 20 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता, 20 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता तब तक हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा हीट ट्रांसफर तीन तरह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं टेम्परेचर के ऊपर कि टेम्परेचर असल में होता क्या है। अब अभी हम लोगों ने क्या देख लिया है, इस हीट का जितना भी रूल है हम लोगों ने देख लिया है और जल्दी जल्दी आज करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन भी देखना है इसके ऊपर, तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड चलेंगे। तो टेम्परेचर क्या होता है, इट टेस्ट द स्टेट ऑफ मैटर। ये क्या बताता है, ये बताता है आपकी अवस्था बताता है। क्या बताता है टेम्परेचर, क्या बताता है आपकी, मतलब कोई भी बॉडी की या फिर कोई भी पदार्थ की अवस्था बताता है ये, कि जैसे वो पदार्थ क्या है, या तो फिर ठोस अवस्था में है यानी सॉलिड अवस्था में है, या फिर लिक्विड अवस्था में है, या फिर वो गैस में है, ठीक है, या फिर प्लाज्मा अवस्था में है, या फिर बोस एंस्टाइन कंडेंसेट में है, यानी पांच अवस्था। तो ये क्या बताता है आपको टेम्परेचर, क्या बताता है आपकी अवस्था बताता है, और ये क्या किस चीज़ का एहसास दिलवाता है, ये हॉटनेस और कोल्डनेस का एहसास दिलवाता है आपको, क्योंकि कोई भी वस्तु या फिर कोई भी पदार्थ क्या है, कोई भी मैटर क्या है, कि गर्म कितना है या कितना ठंडा है, ये चीज़ आपको कौन बताता है, ये टेम्परेचर बताता है। और टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। और इसमें जो रिलेशन होता है, रिलेशन देखिए, अगर अलग अलग यूनिट होता है इसका, जैसे सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया, फॉरेनहाइट हो गया, तो इसमें फॉरेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस और रेडियन में क्या क्या मतलब ये होता है, रिलेशन होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि C/5 इज इक्वल टू K-273/9 होगा आई थिंक, देख लेता हूं मैं एक बार, चलिए 273/5 यहां पे 5 होगा, ठीक है, ठीक है आपका दिया हुआ। और उसके बाद F इज इक्वल टू क्या होता है F-32/9 इज इक्वल टू, चलिए आपको बोर्ड में वहां पे तो दिख ही रहा होगा, R/4 आपको स्लाइड में दिख रहा है, स्लाइड हटाने की जरूरत नहीं है। अब आपको बोला जाए, मान लीजिए कि कितने सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है, तो आप कैसे निकालोगे, मान लीजिए आपको बोला जाए कि कितने सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है, तो इन दोनों को आप लोग इक्वल कर लेंगे, कैसे करेंगे, देखिए C/5 इज इक्वल टू K-273/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए 1 सेल्सियस बराबर ये क्या हो जाएगा, 1 केल्विन, ये हो जाएगा C इज इक्वल टू K-273, ठीक है, तो 1 केल्विन बराबर सेल्सियस बराबर कितना हो गया, देखिए 1 सेल्सियस बराबर कितना होगा K-273, ठीक है, और उसके बाद अगर 1 केल्विन बराबर केल्विन को अलग रखे तो क्या हो जाएगा 270, ये 270 प्लस हो जाएगा, यानी केल्विन, यानी केल्विन इज इक्वल टू हो जाएगा C+273, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्मोमीटर सबसे ज्यादा, बिल्कुल सही, रूमर स्केल, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्मोमीटर क्या होता है। इसका जो सबसे अगर क्वेश्चन टेम्परेचर के ऊपर आएगा तो ये हो सकता है, एक तो ये फॉर्मूला आ जाए आपको और पूछ ले कि 1 फॉरेनहाइट बराबर कितना सेल्सियस होता है, या फिर किस डिग्री पे वो जीरो मतलब इक्वल हो जाता है, ये सब चीज़ पूछ लिया जा सकता है आपसे, या फिर और क्या पूछा जा सकता है कि थर्मोमीटर और क्या टेम्परेचर रेंज को कैसे नापा जाता है ना, टेम्परेचर रेंज को कैसे मापा जाता है। तो सबसे पहले अगर बिलो 0 डिग्री हो तो कौन से थर्मामीटर का यूज किया जाता है, याद रखिएगा, बिलो 0 डिग्री हो तो गैस थर्मामीटर, और गैस थर्मामीटर दो टाइप के होते हैं, एक तो हाइड्रोजन
ओके, गैस थर्मोमीटर और एक होता है नाइट्रोजन गैस थर्मोमीटर, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, दो थर्मोमीटर होता है गैस थर्मोमीटर, दो थर्मोमीटर होता है, एक तो हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर और दूसरा होता है आपका नाइट्रोजन गैस थर्मोमीटर। उसके बाद -114 डिग्री से 75 डिग्री तक आपको कौन सा थर्मोमीटर का यूज किया जाता है, अल्कोहल थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए कि -114 डिग्री से अगर ज़्यादा उससे भी कम टेम्परेचर हो और अगर हम लोग अल्कोहल थर्मामीटर का यूज़ करें तो वो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल जो है वो जम जाएगा, वो रीडिंग बताएगा ही नहीं, वो क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा और वो अल्कोहल का रीडिंग वो बताएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर ज़्यादा मान लीजिए 75 डिग्री से ज़्यादा अगर हम लोग अल्कोहल टेम्परेचर हो और उसमें अगर अल्कोहल थर्मामीटर का यूज करें तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वेपर बन के अल्कोहल जो है वो थर्मामीटर से वेपर बन के उड़ जाएगा, फिर से रीडिंग देगा नहीं। तो इसके लिए उसका रेंज दिया हुआ है -29 डिग्री से आपका 351 या 351 डिग्री सेल्सियस तक कौन सा थर्मामीटर का यूज किया जाता है, पारा थर्मामीटर का, और 300 डिग्री से 3000 डिग्री सेल्सियस तक का कौन सा थर्मामीटर का यूज किया जाता है, पाइरोमीटर का, पाइरोमीटर का यूज किया जाता है। चलिए अब ये था हीट एंड टेम्परेचर, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से इसका आंसर कीजिए, जल्दी से इसका आंसर कीजिए और आंसर बताइए आप लोग, बस इतना थ्योरी, जितना थ्योरी हम लोग पढ़ना था पढ़ लिए, अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जल्दी से आप इसका आंसर कीजिए कि क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ए हॉट ऑब्जेक्ट लूजेज हीट टू इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशन, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए इसका आंसर, दीपक सिंह का आंसर आया है सी, जल्दी, मैंने सब कुछ बताया आप लोगों को कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, तो जल्दी से बताइए। नीतीश कुमार सी, दीपाली गर्ग डी, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका, दीपक सिंह सी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर होगा आपका सी आंसर होगा। तो जिन जिन लोगों ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको क्या बताया, जो कब तक हीट का ट्रांसफर होता है, जब तक दोनों का इक्वल नहीं हो जाता, यानी डिफरेंस जितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। Why does the bottom of lake not freeze in severe winter even when the surface is all frozen? Option A, the water has large specific heat, the conductivity of ice is low, the water has large latent heat of fusion, the temperature of the earth at the bottom of the lake is high. जल्दी से इसका आंसर कीजिए। नंबर 2 का आंसर कीजिए आप लोग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दीपक सिंह, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। जल्दी से आंसर कीजिए इसका, सी सी सी, दीपक सिंह का आंसर सी आया है, अमोल इंग्ले का आंसर भी सी है, नीतीश कुमार का भी आंसर सी है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा एक पेड दो सब्जेक्ट का पेड कोर्स भी है, एक तो इंडस्ट्रियल लेबर लॉ और दूसरा जनरल अकाउंटिंग का, तो वहाँ पे आप लोग जो हम लोग यहाँ पे जैसे मैं तो आपको थ्योरी बता दे रहा हूँ, लेकिन सनत सर और निहारिका मैम जो हैं वो आपको सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, यहाँ पे उनका जो थ्योरी पार्ट है और कंसेप्चुअल पार्ट जो है वो हम लोगों का पेड कोर्स है, और बस वो
अभी 50% डिस्काउंट में चल रहा है, तो आपको 1500 में इस सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको, और उसके साथ आपका जो 999 का हमारा टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए दोनों परचेज करते हो, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ और जनरल अकाउंटिंग दोनों परचेज करते हो, तो आपको टोटल अमाउंट आपका बनता है 3000, उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 2700 में आपको तीन चीज़ मिलेंगी, सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल लेबर लॉ का फुल कोर्स, उसके बाद जनरल अकाउंटिंग का फुल कोर्स, और तीसरी चीज़ जो मिलेगी कॉम्प्लीमेंट्री वो है टेस्ट सीरीज हमारा। और वो टेस्ट सीरीज सेक्शनल नहीं होगा, सारे सब्जेक्ट का होगा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्रियल लेबर लॉ या फिर जनरल अकाउंटिंग का होगा, वो सारे टेस्ट सारे सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर भी सी है, द वाटर हैज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ द हीट ट्रांसफर, बताइए मुझे। ये तो चीज मैंने अभी बताया नहीं, चलिए आप लोगों को देखता है मैं ये क्या होता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का सबसे तेज जो है प्रोसेस वो कौन सा है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, या फिर कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों है। बिल्कुल अंकित, अंकित हाँ बिल्कुल, सनत सर लेबर लॉ पढ़ाते हैं, जल्दी से इसका आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। और सेशन को शेयर कीजिए, बहुत ही कम लाइव है, ऐसे लाइव चलेगा तो फिर मुश्किल है क्लास देना, तो इसके लिए आप लोग जल्दी से इसको थोड़ा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है आपका रेडिएशन ए, दीपक सिंह का आंसर सी है, नीतीश कुमार ए, दीपाली गर्ग सी, अंकित रेडिएशन, अभय ए, चलिए सुनील सेन सी, ए, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का आंसर आ रहा है अभी, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा होगा क्या, इसका आंसर होता है रेडिएशन, रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर होता है वो सबसे तेजी से होता है, क्या होता है, रेडिएशन होगा इसका आंसर, बिल्कुल रेडिएशन में सबसे, इन दोनों कंडक्शन और कन्वेक्शन के मुकाबले सबसे ज्यादा तेजी से हीट किसका किसमें ट्रांसफर होता है, रेडिएशन के द्वारा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, वेपर थर्मोमीटर, एनर्जी मीटर, उसके बाद रेजिस्टेंस थर्मोमीटर या पायरोमीटर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को, अभी थोड़ी देर पहले बताया। हेलो मनीष, जल्दी से आंसर कीजिए मनीष, चलिए थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपको कि इसका आंसर क्या, जो विच ऑफ द फॉलोइंग यूज जो हाई टेम्परेचर होता है उसको किससे मेजर किया जाता है, थर्मोमीटर के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया आप लोगों को, तो आंसर आई होप आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए आप लोग, डी पायरोमीटर डी, चलिए। और डी चलिए बिल्कुल सही, डी होगा इसका आंसर, पायरोमीटर से सबसे ज्यादा जैसे भट्टियों में होता है, ईंटों की भट्टी या फिर कोई भी भट्टी जैसे लोहा पिघलाने की भट्टियों भट्टियों में किस चीज़ का यूज किया जाता है, पायरोमीटर का यूज किया जाता है। और हीट का सबसे ज्यादा मतलब जब भी हीट टेम्परेचर 3000 डिग्री तक हम लोग अगर किसी से माप सकते हैं या फिर मतलब मेजर कर सकते हैं वो क्या है, वो पायरोमीटर है। तो पायरोमीटर होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच टू लिक्विड आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर। चलिए कौन से दो लिक्विड का यूज किया जाता है आपका थर्मोमीटर बनाने के लिए, मर्करी एंड वाटर, वाटर एंड अल्कोहल, मर्करी एंड अल्कोहल, मर्करी एंड ब्रोमीन, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए प्रियंका, अमित जी जी बिल्कुल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा।
तो सुनील जी का आंसर आया है सी, मरकरी एंड अल्कोहल। नीतीश कुमार सी, जल्दी से आंसर कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि अगला सेशन जो हम लोगों का होगा जनरल साइंस का, उसमें मैं सिर्फ आप लोगों को क्या करवाने वाला हूं, एमसीक्यूज क्वेश्चन ही करवाऊंगा, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन ही करवाऊंगा, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं रहेगा हमारा, एमसीक्यू रहेगा अगले सेशन पे। और लगभग हम लोग 20 से 25 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वहाँ पे, और आप लोगों को समझ लीजिए कि एक टेस्ट टाइप का होगा वो, तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। जब तक जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसी के ऊपर ही रहेगा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन उसी के ऊपर रहेगा। तो चलिए, इसका जो आंसर है 5 का, यानी अंकित का आंसर आ रहा है 5 का सी होगा सर, मरकरी एंड अल्कोहल। अमित जी का भी आंसर सी है, आशा सी आंसर, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, सी होगा, मरकरी एंड अल्कोहल, बिल्कुल सही, यानी दोनों चीज़ों का ही यूज किया जाता है। तो बहुत जल्द आप लोगों के साथ मिलूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए, तो तब तक आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया उसका आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा उसका। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्लाइड का यूज़ हम लोग करते हैं वही उसी का हम लोग पीडीएफ आप लोगों को देते हैं हम लोग, ठीक है। अब मान लीजिए कोई टीचर हैं जो स्लाइड यूज़ करते ही नहीं है, तो उसका पीडीएफ हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि अतुल सर सोशल सिक्योरिटी का क्लास जब भी लेते हैं, तो वो आपको पूरा अच्छे से बोर्ड में ही एक्सप्लेन करते हैं, सब कुछ लिख के एक्सप्लेन करते हैं। तो उस टाइम आप लोगों को क्या करना चाहिए, कॉपी और पेन लेके बैठना चाहिए, सारा सब कुछ लिख लेना चाहिए। आप उसके लिए आप लोग परेशान रहते हो कि सर पीडीएफ नहीं डाला उन्होंने, क्योंकि यूज़ नहीं करते, उन्होंने स्लाइड यूज़ किया ही नहीं होता है, इसलिए आप लोगों को वो पीडीएफ मिलता नहीं है। बाकी जितने भी क्लासेस में स्लाइड यूज होता है सबकी पीडीएफ हम लोग अपलोड कर देते हैं, और अपलोड होता है, और अभी भी अपलोड वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ मैं अगले क्लास में, और अभी पीडीएफ के साथ बने रहिए, चलिए, और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते रहिए। मिलता हूँ मैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।